महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र हंगामेदार रहेगा, इसका ऐलान बीजेपी कर चुकी है, लेकिन नेता विपक्ष फडणवीस ने इशारों में कुछ ऐसा भी कह दिया जिससे फिर कोई नई खिचड़ी के संकेत मिल रहे हैं। पहले कोरोना की मार, फिर वसूली कांड का खुलासा, उसके बाद तूफान का तांडव। और अब अजीत पवार के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने एक के बाद एक परेशानी पेश आ रही है और ताजा परेशानी आज विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले बीजेपी खड़ी करने वाली है। महाराष्ट्र में विधानसभा का दो दिनों का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। बीजेपी इसी बात पर उद्धव सरकार को घेर रही है कि सरकार ने घोटालों के डर से सत्र छोटा कर दिया। बीजेपी मराठा और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को घेर रही है। ये सरकार अधिवेशन फेस करू शकत नाही। ज्या प्रकारे वसुलीचे प्रकरण या सरकारमध्ये बाहेर येत आहे, यामुळे अधिवेशनच फेस करायचं असा सरकारचा प्रयत्न दिसतोय, पण आम्ही सरकारचा चेहरा उघडा पडल्याशिवाय राहणार नाही। फडणवीस इस बात से तो विपक्ष की जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर कुछ दिनों के अंतराल पर शिवसेना के साथ दोबारा सांठगांठ के सवाल पर फडणवीस ने बड़ा इशारा दे दिया। फडणवीस ने कहा कि शिवसेना विरोधी है, दुश्मन नहीं। तो आमचे शत्रुत्व नव्हतंच ना, कधी शत्रु थोड़ी आहोत आम्ही। आमचे वैचारिक मतभेद झाले कारण आमचा हात सोडून आमच्या सोबत निवडून आलेले आमचे मित्र आमचा हात सोडून ज्यांच्या विरुद्ध निवडून आले त्यांचा हात पकडून निघून गेले, त्याच्यामुळे मतभेद उभे झाले ना। राजकारणामध्ये जर तरला अर्थ नसतो, परिस्थिती जी येते त्या परिस्थितीवर निर्णय होत असतो। इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत भी बीजेपी नेता आशीष शेलार से मुलाकात के बाद किसी तरह की अटकलें लगाने से इनकार कर रहे हैं। जरूर, बहुत पहले दो तीन बार मुझे आशीष शेलार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले थे, हमने एक साथ उस वक्त कॉफी भी पी है ओपन। उसमें क्या होता है, महाराष्ट्र की एक परंपरा है, राजनीति महाराष्ट्र की या देश की ऐसी नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी नहीं है, बस गोले ही मारो और ख़त्म कर दो, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों जब उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से मिलने दिल्ली आए, तब भी दोबारा बीजेपी शिवसेना के साथ आने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कांग्रेस की बार बार नाराजगी और पवार के अलग पिच पर खेलने की खबरों के बीच महाराष्ट्र में कोई नई राजनीतिक घटना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि शिवसेना हमेशा इसे नकारती रही है। ABP News आपको रखे आगे।